हाय गाइस, मैं आपका दोस्त आपका होस्ट मिस्टर खान और आप देख रहे हैं डिजिटल बियर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, काफी नए यूट्यूबर के कमेंट आ रहे हैं कि साल हमारी अकाउंट डिसेबल हो गई है या हमारा अकाउंट सस्पेंड हो गया है। तो दोस्तों, ये गूगल एडसेंस अकाउंट डिसेबल कैसे होता है और सस्पेंड कैसे होता है, कैसे हम गूगल एडसेंस अकाउंट को रिकवर करने के लिए अपील कर सकते हैं, इस वीडियो में हम इसी बारे में जानेंगे। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो में और लास्ट तक देखिए इस वीडियो को। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें अपने इस चैनल को इस रेड बटन पे क्लिक करके और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हर नई वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि गूगल एडसेंस अकाउंट डिसेबल कब होता है या फिर गूगल एडसेंस अकाउंट सस्पेंड कब होता है। दोस्तों, गूगल एडसेंस अकाउंट सेम यूट्यूब की तरह ही है और यूट्यूब पे जैसे एल्गोरिथम है, जैसे रूल्स रेगुलेशन है, वैसे हर एक वेबसाइट की होती है और वैसे ही गूगल एडसेंस की भी होती है। जैसा कि आप जानते हैं, यूट्यूब से जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है वो पेमेंट गूगल एडसेंस अकाउंट के थ्रू होता है। अगर आपका गूगल एडसेंस अकाउंट सस्पेंड हो गया है या फिर डिसेबल हो गया है तो उसके कुछ रीजंस होते हैं, मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों, अगर आप गलत क्लिक करते हैं तब भी आपका गूगल एडसेंस अकाउंट डिसेबल कर दिया जाता है, या फिर गलत एक्टिविटी, या फिर दोस्तों अगर आप अपनी चैनल से किसी के चैनल पर ये बोलते हैं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं आपके चैनल को सब्सक्राइब करता हूं, तो ऐसे में भी आपका गूगल एडसेंस अकाउंट डिसेबल हो सकता है। या फिर दोस्तों, अगर आप किसी की वीडियो को डाउनलोड करके और वहां पे अपनी ऑडियो लगा करके आप पोस्ट कर देते हैं उससे कुछ पैसे कमाने के लिए, इस केस में भी गूगल एडसेंस अकाउंट आपका डिसेबल हो जाता है। तो ऐसे कुछ केसेस होते हैं जिससे हमें बचना है। लेकिन अगर आपका गूगल एडसेंस अकाउंट सस्पेंड या डिसेबल हो गया है तो आप अपील कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे अपील करते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए हम लैपटॉप के डिस्प्ले पे आ गए हैं। यहाँ पे एक गूगल एडसेंस का फॉर्म है support.google.com, इसका लिंक मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप इसे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है इनवैलिड एक्टिविटी अपील। अगर आपके गूगल एडसेंस अकाउंट पे इनवैलिड क्लिक हुआ है और उसके वजह से आपका एडसेंस अकाउंट डिसेबल हुआ है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको आना है नीचे, और नीचे आने के बाद ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज एंटर योर नेम, आपको अपना नाम डालना है, आपको यहाँ पे अपनी चैनल की ईमेल आईडी डालनी है। उसके बाद यहाँ पे आप अपने चैनल की आईडी डाल सकते हैं, यानी यूआरएल आप डाल सकते हैं, या फिर आपकी वेबसाइट है तो आप अपनी वेबसाइट का लिंक दे सकते हैं। यहाँ पे आप उसकी आईडी दे सकते हैं जो कि आपका चैनल आईडी होता है, जैसे यूट्यूब का भी चैनल आईडी होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है हैव यू एवर परचेस्ड ट्रैफिक टू योर साइट, आपको कर देना है नो। इसके बाद आपको इसे भर लेना है हाउ डू यू वांट टू प्रमोट योर कॉन्टेंट, अगर आप करना चाहते तो यस, या नहीं करना है तो नहीं करिए। यहाँ पे आपको लिखा हुआ हैव यू और योर साइट मोबाइल ऐप, अगर आपके पास कोई मोबाइल ऐप वगैरह है साइट की तो वो आप डाल सकते हैं। मतलब कि इस फॉर्म को आपको फिल करना है, जो जो चीजें यहाँ पे रिक्वायर है वो सारी चीजें आपको डालना है, और डालने के बाद फुल फिल करना है। उसके बाद आपको इस पे चेक मार्क लगाना है, उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। दोस्तों, ऐसे सबमिट अगर आप करते हैं तो आपकी गूगल एडसेंस अकाउंट फिर से रिकवर हो सकती है, फिर से सही हो सकती है। यानी कि अगर इनवैलिड क्लिक अगर आपने किया होगा या फिर किसी ने किया होगा, अगर इसके वजह से गूगल एडसेंस अकाउंट डिसेबल या फिर सस्पेंड हुआ है तो आपकी गूगल एडसेंस अकाउंट रिकवर हो जाती है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, इस तरीके से आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके जाना, बिना लाइक किए मत जाना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, एंड हैव अ नाइस डे।